नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आइए आज हम लोग जो है सिक्किम के गंगटोक में हम लोग घूम रहे हैं और यहां पे जो है गंगटोक में आपको 10 पॉइंट पे घूमना होता है। अगर आप घूमने का मन बना रहे हैं तो आप आसानी से आ करके यहां के 10 पॉइंट पे आप घूम सकते हैं। यहाँ आने के बाद आपको अपना एक कार या कुछ भी लेना पड़ेगा जो आपको घुमाने वाला हो। आप अगर अपने कार से आते हैं तो उससे आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तो आपको दूसरा किसी का कार ले करके भाड़े में भी घूमना होगा। तो आइए आज जो हम लोग आए हैं बंजाकनी फॉल एंड एनर्जी पार्क डेवलप बाय आरएम डेवलप एनर्जी, मतलब ये जो है गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम के द्वारा इस पार्क को डेवलप किया गया है, वही हम लोग आए हुए हैं। तो ये जो है इधर से हम लोग इसी रूट होकर के हम लोग आए हैं, जो कि आप देखेंगे कुछ ही क्षणों में। इस रूट से हम लोग आए हैं और पहाड़ के बहुत नीचे आ चुके हैं और इस गेट के अंदर हमको जाना होगा। उसके बगल में जो खिड़की दिख रहा है, इस खिड़की में आपको टिकट लेना होगा और यहाँ पे जो गार्ड हैं, इस गार्ड से ही आपको एंट्री मिलेगा। जैसे एंट्री मिलने के बाद आप यहाँ के इस प्रकार के नज़ारों के साथ रूबरू होंगे और देखेंगे। तो जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा माइंड ऑटोमेटिक चेंज होता है, क्योंकि यहाँ कितनी भी गर्मी या ठंड में आएंगे तो आपको यहाँ मौसम सुहाना ही मिलेगा। गर्मी में तो अच्छा ही मौसम रहता है, लोग यहाँ सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं गर्मी में आना। ठंडे के दिन में बर्फबारी भी होता है, बर्फबारी देखने के लिए भी आप आ सकते हैं यहाँ पे। तो हम जिस समय आए हुए हैं, ये जो है मार्च का समय था, इकतीस मार्च को हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पे हम लोग विजिट कर रहे हैं। 31 मार्च के डे है, 31 मार्च 2024 को हम लोग आए हुए हैं, जो कि देख सकते हैं यहाँ ये पहला दृश्य है जो कि यहाँ का ग्राउंड का है। और यहाँ जो है बहुत सारे चीज़ आपको देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे। और यहाँ का जो दृश्य है, उस दृश्य का जो है म्यूजिक भी हम आपको बैकग्राउंड में दे देंगे। हम एक्स्ट्रा को म्यूजिक नहीं डालेंगे, उसी का बैकग्राउंड में म्यूजिक रहेगा जो कि आप यहाँ पे सुन पाएंगे इस दृश्य का। सबसे पहले जो है यहाँ पे यहाँ पे आपको होटल रेस्टोरेंट भी मिल जाता है और यहाँ पे छोटा छोटा होटल भी मिल जाता है जो कि आप खा सकते हैं। यहाँ थोड़ा महंगा खाना मिलता है लेकिन आप यहाँ से खा सकते हैं। ये देख सकते हैं ये पहला जो है पानी आप देख सकते हैं, ये झरना से पानी आया हुआ है। इस जो फॉल है यहाँ पे, उस फॉल से पानी आता है। ये हम लोग नीचे का दृश्य आपको दिखा दे रहे हैं क्योंकि आप यहाँ से देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से इस झरना से पानी आ रहा है। उसका मुख्य जो झरना है वो हम आपको दिखाएंगे, जो बहुत ही ऊँचे पर अवस्थित है। और यहीं पे जस्ट देखिए आपको जो है यहाँ पे एक बगल से झरना बहती है, उसमें आपको गंदा पानी यानी जो काला टाइप का पानी होता है वो पानी आपको देखने को मिलेगा। ये गजब का यहाँ का दृश्य है जो कि आप देख सकेंगे। देखिए यहाँ पे इस झरने पे देखिए किस प्रकार से पानी बह रहा है। यहाँ का पानी अलग टाइप का दिख रहा है और ये पानी अलग टाइप का दिख रहा है। दोनों का जो चेंजिंग है बस थोड़ा सा, लगभग 50 मीटर की दूरी पर ऐसा पानी गिर रहा है। यहाँ का प्राकृतिक गजब का है, आप एक बार आकर जरूर देखें और ऐसा लगेगा आप हमें ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग आए हैं ये नीचे का जो दिखा रहे हैं, ये सीन देख रहे हैं, इसके आगे हम फिर बढ़ेंगे और आगे बढ़ बढ़ करके यहाँ पे कितने पॉइंट यहाँ पे हैं इस हॉल में वो आप देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग के फिर बैक होते हैं, जाते हैं पीछे की और यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी जस्ट हम लोग इसी ग्राउंड पे थे, गेट से जस्ट 100 मीटर या 150 मीटर की दूरी पे हम लोग थे। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये जैसे कि ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे वो खाना वाना सारा सामान यहाँ पे मिल जाएगा। आप अगर भूखे हैं तो यहाँ पे नाश्ता खाना सब खा सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे का नज़ारा क्या है। देखिए इसी जगह से आपको जाना है आगे और यहाँ का जो सीढ़ी है देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है, देख सकते हैं पत्थर के साथ बनाया गया है। और वही रेस्टोरेंट जो देखे थे वही रेस्टोरेंट यहाँ पर दिख रहा है, इसी से हम लोग होके जाएँगे। और ये देख सकते हैं यहाँ की जो लोग, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के पुरुष सारे ईमानदार होते हैं और सारे बहुत साफ और गोरे होते हैं और आप बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये आप यहाँ पे आने के बाद आपको समझ में आएगा। तो यहाँ से जो है हम लोग वाटरफॉल की ओर जाएंगे, जो कि हम लोग यही देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। उसके बाद बहुत सारा सीन है तो हम लोग वाटरफॉल पहले देखते हैं। तो आपको यहाँ से राइट ले करके आगे बढ़ते जाना है और बढ़ते हुए आप देखते जाएंगे यहाँ के सीन, यहाँ के नज़ारा, यहाँ के दृश्य किस प्रकार से है, वो सारे चीज़ को आप देखते हुए जाएं। देखिए ये जो वाटर आप देख पा रहे हैं, ये पानी जो देख पा रहे हैं, ये बस वही फॉल से जो आया हुआ है।
आ रहा है वही फॉल से कंटिन्यू आते रहता है और उस फॉल में कंटिन्यूस पानी गिरते रहता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हुए जा रहे हैं, तो आप देखते हुए आइए और दृश्य का भी इंजॉय कीजिए, दृश्य का जो यहाँ का सीन है उसको देखिए। और अभी धूप थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा आ चुका है, लेकिन हम लोगों को ठंड महसूस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ठंड लगता ही है, ताकि यहाँ का मौसम हमेशा ऐसा ही सुहाना रहता है, इसलिए कोई भी समय अब आकर यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है जून जुलाई में आते हैं, बहुत जो गर्मी रहता है उस समय लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ का नज़ारा देखते हैं। तो आइए हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं ये बांस का जो झुंड है, ये बांस का है, बम्बू का प्लांट है। इसका लग रहा है कि ये बांस मर गया है, लेकिन ये मरा नहीं, ये ज़िंदा बांस है, जो कि आप ऊपर में देखिए इसमें पत्ता लगा हुआ है, देख सकते हैं ये पत्ता लगा हुआ है। और यहाँ लग रहा है कि ये सूख गया है, ये सूखा बांस नहीं है, ज़िंदा बांस है। यहाँ कलर ही इस बांस का ऐसा होता है, और ये पता नहीं बैत का तो बांस नहीं है, ये पतला पतला होता है और झाड़ी में वो ज़्यादा झाड़ी बना हुआ है। और इससे हम लोग यहाँ से फिर आगे की ओर बढ़ेंगे और बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ का सीन देखिए कैसा है, और हमें ज़रूर कमेंट बताइएगा कैसा है। देखिए वाटरफॉल का एरो लगा हुआ है, तो इसी एरो की ओर हम लोग को और आगे बढ़ते जाना है। और यहाँ से जो है अब हम लोगों को लेफ़्ट की ओर मुड़कर आगे जाना होता है। तो यहाँ से हम लोग लेफ़्ट मुड़ेंगे, तो तब तक आप यहाँ पर देखिए कि वहाँ पहुँचने के बाद ही हम लेफ़्ट ले पाएंगे। तो यहाँ पे जो पानी रिसाव हो रहा था पहाड़ का, वो आप अभी देखिए, और देखिए ये झरना का पानी जो दिख रहा है वो ही यहाँ पे फॉल होता है, गिरते रहता है, कंटिन्यूस गिरते रहता है, वर्षा में ज़्यादा गिरता है। और यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ का जो दृश्य है वो आप देख पा रहे हैं कैसा है। यहाँ का पानी बहुत ही साफ आ रहा है, वो इस पानी को डायरेक्ट आप पी सकते हैं। और हम लोग, मेरे द्वारा पूछा गया था कि तो पानी कहाँ का पीते हैं, फिल्टर पानी पीते हैं, क्या पीते हैं, तो उन्होंने द्वारा बताया गया जो पहाड़ से पानी आता है डायरेक्ट उसी पानी को पीते हैं। यहाँ का पानी में कहीं कोई खराबी नहीं है, और हम लोग भी शायद उसी, हम लोगों को भी शायद वही पानी पिलाया होगा। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर एक रिलायंस शॉप था, उस रिलायंस शॉप में गए थे और वहाँ से हम लोग के सारे बोतल पानी का और नाश्ता उसका सारा चीज़ वहाँ पर ले लिए थे, क्योंकि ऐसे अलग जगह से लेते हैं तो रेट बहुत महंगा पड़ता था। तो हम लोग वहाँ से सारा सामान ले लेते थे, क्योंकि हम लोग अपने कार से आए हुए थे, तो हम लोग सारा सामान ले करके सारा लेके घूमते, जब भूख लगता था हम लोग खाते थे और ड्राई फ्रूट को और इस तरह से या करते थे। तो यहाँ हम लोग आ चुके हैं फॉल के लगभग, ये झूला देख रहे हैं, ये झूला में लोग इस पार से उस पार होता है, इसका कुछ फीस देना पड़ता है। आप डायरेक्ट इस झूला में इस पार से उस पार हो सकते थे, और यहाँ से इसी पॉइंट से आप इस फॉल का फ़ोटो लेने के लिए ये बनाया गया है। यहाँ पे आकर के अब आसानी से इसे वर्षा जो हो रहा है, जो ये जो फॉल हो रहा है, गिर रहा है, इस जगह आकर के आप आसानी से इस फ़ोटो को ले सकते थे, और यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा आता है। देखिए इसी प्रकार से जो है पानी को, वो वहाँ से पानी आ रहा है और डायरेक्ट वो गिर रहा है। ये जो इसकी जो दूरी है लगभग 40 से 50 फीट ऊँची दूरी पर उसको बनाया गया है, और वहाँ से वो वर्षा वहाँ से जो फॉल होते रहता है, गिरते रहता है। यहाँ का देखिए, यहाँ का भी बांस का कम सीन दिखा दे रहे हैं, यहाँ भी इस प्रकार से बांस को वो दिया गया है। और हम लोग और नज़दीक पहुँचकर आपको दिखाएंगे कि देखिए किस प्रकार से इसका वेग क्या है, पानी गिरने का जो फॉल हो रहा है उसका क्या वेग है, वो आप देख पा रहे होंगे कि कितना स्पीड से यहाँ पे गिरते हुए ये पानी। और यहाँ देखिए पूरा उसको सीमेंटेड कर दिया गया है और पत्थर है, तो यहाँ पर जो है स्वच्छ पानी गिरता है, वो आप कंटिन्यूस देख रहे हैं। और इस प्रकार से जो है पूरा दृश्य को देखिए। और इस सीढ़ी से अगर आप चढ़ते हैं, अगर वहाँ आके अगर फिर लेफ़्ट चढ़ते हैं इस सीढ़ी के ज़रिए, तो जहाँ से पानी फॉल हो रहा है, गिर रहा है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि आखिर ये पानी कहाँ से आता है। तो हम लोग के पास टाइम था दोस्तों, तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए और वहाँ जाकर हम लोग नहीं लिए, और यहाँ से हम लोग बैक रिटर्न हो चुके हैं। और होने के बाद आगे का जो सीन है यहाँ पर उसको देखेंगे। यहाँ पे एक सेल्फ़ी पॉइंट भी है, उस सेल्फ़ी पॉइंट पे भी जाकर आपको दिखाएंगे सेल्फ़ी पॉइंट में किस प्रकार से फ़ोटो को लिया जा रहा है। तो सेल्फ़ी पॉइंट एक यहाँ पे बनाया गया है, उस सेल्फ़ी पॉइंट में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे बच्चे का गार्डन है, यहाँ बच्चा खेल सकता है। और इसी रूट से, इसी एरो की तरफ से हम लोग सेल्फ़ी पॉइंट की ओर जाएँगे, क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं। और यहाँ पर एक और दृश्य आपको दिखाने वाले हैं, तो आप देखिए कुछ ही क्षणों में आपको मिलने वाला है। जैसे कि हम लोग देखिए यहाँ पे मेन गेट, मेन द्वार पे आ चुके हैं, यही दृश्य के बारे में मैं बात कर रहा था। यहाँ का जो
ये देख सकते हैं, ये डिस्प्ले है और इस डिस्प्ले में आपको यहाँ का जो पूरा यहाँ का सारा वातावरण और यहाँ का कैसा क्या है वो सारी चीज़ आपको इस डिस्प्ले में दिखाया जाता है। और ये पानी है, इस पानी के बगल में पूरा बैठने का बनाया गया है, इस जगह बैठ करके आप इस टीवी का एंजॉय, इस जो डिस्प्ले है डिस्प्ले का एंजॉय ले सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या दिखाया जाता है वो सारा चीज़। अभी जब हम आए थे तो यहाँ पे टिकट काउंटर ऑफ था, इस कारण से हम लोग नहीं लिए और नहीं दिखा पाए आप लोगों को। और यहाँ का देखिए किस प्रकार से वादियों में ये बना पड़ा है। और यहाँ पूरा शहर जो है गंगटोक जो है पूरा गंगटोक जो है सिक्किम जो है पूरा पहाड़ पर ही बसा है और पूरा शहर पहाड़ पर ही है। तो लोगों का यहाँ का जो मूर्ति जो होता है वो भी यहाँ पे लोग बना के रखे हैं। पता नहीं ये कौन सा धर्म का मूर्ति है वो हमको पता नहीं है, लेकिन ये आपको दिखा देंगे, आप यहाँ से देखकर समझ सकते हैं कि क्या है। अगर आप जानते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये कौन सा मूर्ति है और ये जो बांधा गया है कपड़ा क्यों बांधा जाता है हमको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हमको इस बारे में पता नहीं था तो हम नहीं बता पाए। तो अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताएंगे। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे पूरे ब्रिज को दिखाए इस कॉल का, ऐसा लगा जरूर हमको बताइएगा वीडियो। और अगला वीडियो है, अगला पॉइंट का फिर आने वाला है तो वो भी आप देखेंगे। हम यहाँ पे इतने पॉइंट पे घूमे हैं, सारे पॉइंट को आपको दिखाएंगे बारीकी से करके, तो आप ज़रूर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर नहीं आप आए हैं तो आप बिना आए हुए भी घूम सकते हैं हमारे साथ घूम करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सबसे धन्यवाद।